ठीक थी, चारा खा रही थी, दो गौ माता बैठी थी, एक खड़ी थी, बस सवेरे गौ माता की हत्या हो गई। तो आपको क्या लगता है कि कौन लोग हैं जो इस तरह से गौ माता को टारगेट कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, कल एक सवेरे मॉर्निंग सभा के अंदर किसी पार्क के अंदर मैं गया लोगों से मिलने के लिए। वहाँ से कोई पार्क में घूमने वाले थे, उन्होंने एक बयान दिया मेरे लिए कि हमारे बीच में बहुत बड़े राष्ट्रभक्त, बहुत बहुत बड़े सेवक, गौ सेवक आए हैं, और साथियों ये देखो कि आपने गौ सेवक को बनाना है कि गौ रक्षक को बनाना है कि गौ भक्षक को बनाना है। मैं इस बात को सहमत नहीं था कि ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए, मगर मैं वहाँ पे बैठा हूँ या खड़ा हूँ, मेरा इसमें दोष नहीं है, वहाँ का नागरिक बोल रहा है। उन्होंने उस वीडियो को कल पूरा दिन चलाया, पूरा दिन वीडियो चलाया, और एक हमारा अल्पसंख्यक समाज के एरिया में कल कार्यालय खुल रहा था, वो हमारे को जगह दे रहा था कि रवि जी आप बहुत अच्छे समाज से भी हैं, मैं फ्री जगह दे रहा हूँ। जब उनको पता चला तो उन्होंने वही वीडियो उसको दिखाया और उन्होंने वो जगह कैंसिल कर दी कि नहीं देंगे। इसी से अंदाजा लगा लो। पोस्टमार्टम करवाएंगे? अभी हम वहीं जा रहे हैं पोस्टमार्टम के लिए। हाँ, और पोस्टमार्टम के बाद यज्ञ होगा आर्य समाज में, गौ माता को श्रद्धांजलि दी जाएगी, फिर पट्टी खोलूँगा। मैंने आज सारे कार्यक्रम अपने कैंसिल कर दिए, मैंने सवेरे से जल नहीं ग्रहण किया, उसके बाद जल ग्रहण करूँगा। रवि जी, आपके पास कोई ऐसा एविडेंस है जैसे सीसीटीवी हो गया या फिर कोई संदिग्ध हो गया जिसका आधार? ये 4-5 दिन से जो घटनाएं घट रही हैं, मैं 30-35 साल से गौ सेवा से जुड़ा हूँ, बचपन से ही कर जुड़ा हूँ, 30-35 साल से थोड़ा सा फास्ट, नहीं तो गांव में गायें रखते थे तो उनको विशेष नहीं था, 30-35 साल से गौशाला से जुड़ा हूँ, आज तक कभी ऐसी घटना हुई नहीं। ये प्रचारित करने के लिए कि ये देखो जो अपने आप को गौ सेवक कहता है, इसके जहाँ 3 गौएँ मर गई, ये गौ की रक्षा करेगा? आप चल के देखिए बस्तियों में, आप जिस कॉलोनी में जाके देखिए, आपको लगेगा राजस्थान में कैसे लोग टूट टूट के बढ़ रहे हैं, कैसे लोग प्रचार के लिए निकले, भीड़ ऐसे बढ़ती है। मैं अपने कार्यालय में नहीं घुसता, 2-2 घंटे मेरे को मालाओं से लाद देते हैं कि मेरा टाइम वेस्ट होता है। आज मैंने सारे प्रोग्राम कैंसिल करके, क्योंकि मेरे पास दिन ही बहुत कम है चुनाव प्रचार के लिए, एक क्षेत्र ही बहुत बहुत बड़ा है, आज पूरा दिन मेरा निकल गया उसमें। तो रवि जी, एविडेंस कैसे दिखाएंगे, जैसे कि आपने बोला कि 2-4? जय, मैं कहता हूँ जाँच करे पुलिस किस लिए है, लाश को काट के फेंक देते हैं सड़क के किनारे, पुलिस जांच करती है, अपराधियों को पकड़ती नहीं। गौ माता हमारी माँ है, उसके लिए क्या जांच नहीं कर सकते, किसी विशेष जांच एजेंसी को दें जांच? मैं आरोप लगा रहा हूँ कि मेरे को शक है, मेरे शक को दूर करें ना। वो सरकार से मैं मांग करता हूँ कि मैं जो मेरे को शक के पूरा यकीन है कि कह सकता हूँ कि उन लोगों की साजिश है कि उन लोगों ने किसी को किसी ना किसी तरीके के इसको बदनाम करो, क्योंकि लोग गौ सेवक के नाम से मेरे इतना प्यार और इतना इज्जत करते हैं, मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा था कि जयपुर की जनता मेरे को इतना प्यार करेगी। आसपास के उन लोगों में किन लोगों का कोई आ रहा है? वो समय नहीं मिला मेरे से, तो सवेरे से नर्वस था मैं, तो अभी आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे से तो बात ही नहीं हो रही थी। मैं थाने में रिपोर्ट लिखा के आया हूँ, हॉस्पिटल में गया हूँ, सारे प्रोग्राम कैंसिल किए। मैंने कहा कि मेरे को शक है कि ये जो विधायक हैं, जो विधायक हैं रफीक खान, यही करवा सकते हैं, मेरा शक गवर्नमेंट दूर करे, वो सरकार में विधायक हैं। जयपुर के आदर्श नगर के 7 थाना क्षेत्रों के जो इंचार्ज हैं उनके कहने पे लगते हैं, बाहर की जांच एजेंसी से जांच हो, मैं मेरे को नहीं भरोसा वहाँ के।